नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के आमला में बुद्ध विहार में सामाजिक मीटिंग रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर पार्क में नगर पालिका कार्यालय खोलने का विरोध करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमला सारणी विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्री उपस्थित हुए, जिनका उपस्थित सभी समाज के गणमान्य नागरिक एवं माता बहनों ने पुष्प माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया एवं इस विषय पर अपनी अपनी राय विधायक महोदय के सामने रखी। विजय तुलकर एवं रामानंद बिले ने बताया कि आज विधायक महोदय से हमने कहा कि नगर पालिका के कुछ अधिकारी अपना नाम लेकर शहर में अफवाह फैला रहे हैं कि विधायक के निर्देश पर बाबा साहब अंबेडकर पार्क में नगर पालिका शिफ्ट की जा रही है, ताकि वहां से बाबा साहब अंबेडकर के नाम का बोर्ड हटा के नगर पालिका परिषद का लगाया जा सके। बाबा साहब के नाम के हटने से समाज के लोग विधायक महोदय के खिलाफ हो जाएंगे। वहीं विजय तुलकर ने कहा कि वैसे तो नगर पालिका को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसी जगह पर बहुत सुंदर नगर पालिका बन सकती है, साथ ही वही कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान भी निकल सकती है। अगर नगर पालिका दूसरी जगह शिफ्ट करना उतना ही जरूरी है। विजय तुलकर ने अंबेडकर पार्क में मंगल भवन बनाने की राय दी है। विनोद नागले ने कहा कि हम किसी भी हाल में बाबा साहब अंबेडकर पार्क को नहीं हटने देंगे। छन्नू बेले और वीरेंद्र बर्थे ने कहा कि जनपद चौराहे के पास पुराना कोर्ट एवं पुराना तहसील जहां लगती थी वहां स्थान रिक्त पड़ा हुआ है, वहां भी नगर पालिका कार्यालय बन सकता है। जिलाध्यक्ष अनिल कापसे ने सभी समाज के नागरिकों की ओर से विधायक महोदय से निवेदन किया है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम का अस्तित्व खत्म ना किया जाए। इसी के साथ बौद्ध विहार में उपस्थित माता बहनों ने वाटर कूलर लगाने की मांग की है। आमला संवाददाता दीपक बर्थे की रिपोर्ट।